Hello dear students, myself Bhavin sir, and now we are once again here for study maths standard 3 chapter 3, and then I show you here some questions of chapter 3 give and take. आपको यह क्वेश्चन अपनी नोटबुक में अभी खाली क्वेश्चन लिख दो. यह क्लास वर्क है. दिस क्लास वर्क यू राइट इन योर नोटबुक. ये क्लास वर्क आप अपनी नोटबुक में लिख दो और हम इसको सीखते हैं कैसे करना है. राइट. सो एवरीवन वीडियो पॉज करो और यह आपको नोटबुक में लिख दो. फिर जैसे जैसे मैं सिखाता हूँ ऐसे आप उसको लिखते जाने का. ओके रिटर्न एवरीवन. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम लास्ट व्यू वी हैड लर्न समथिंग अबाउट एडिशन. हमने एडिशन के बारे में कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे. राइट. ऑफ टू डिजिट थ्री डिजिट. नाउ यू हैव टू गो अहेड विद एडिशन टॉपिक. अब देखो हियर 5563 प्लस 272 देन 3 प्लस 2 पे ले गए. मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है. 3 को काउंट किया हुआ है. 3 के बाद 2 × 1 = 4 × 5 × 7 × 6 × 7 × 7 × 13 × 1 × 3 × 5 × 6 × 7 × 6 × 1 × 7 × 8 × 9 × 10 × 11 × 12 × 13 × 13 × 3 × 13 × 1 यहाँ पे आएगा है ना. हमने सीखा था अगर ऐसे 13 आता है तो यूनिट प्लेस नीचे आएगा और 10 प्लेस कैरी ऊपर आएगा उसके बाद में जाएगा. नाउ 5 1 कैरी भी कितनी है 1 5 और 2 5 + 1 6 6 2 7 6 और 2 8 सो दिस वे 835. इसका ही सेम इसके जैसा क्वेश्चन है. 5 + 2 7 7 + 3 10 कैरी 1 और 8 1 9 and 1 10. देखो ये 4 डिजिट हुआ. हो सकता है 4 डिजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे 0 + 8 मैंने आपको सिखाया था. कोई भी नंबर में कुछ नहीं है उसके अंदर कुछ 0 है और इसके अंदर 8 भी है तो 0 + 8 क्या होगा 8. देन 7 + 3 10 कैरी 1 6 × 1 = 7 × 1 = 8 दिस इज 808. सो डियर स्टूडेंट्स हियर इन दिस लाइन ये लाइन भी होमवर्क की है आपको लेकिन उसने इसके जैसे ही क्वेश्चन किया. मतलब बोरो कैरी आपको लास्ट में आए. राइट. दिस इज ऑल द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. सी हियर 8 + 0 = 8 7 + 5 तो 7 के बाद 5 × 8 9 10 11 12 तो 12 × 2 = 1 1 3 4 5 6 628. 8 + 2 8 के बाद 9 10 10 × 0 = 1 6 5 + 1 6 और 6 6 कितना हो गया 12 12 × 2 = 1 अब 4 + 1 5 6 7 8 820. सो डियर स्टूडेंट्स दिस वे वी कैन राइट दिस एडिशन. सी ये भी इसकी जैसा ही है. मैंने आपको सेम टाइप ऑफ नंबर आपको एडिशन में दिया है. अब देखो ये 0 + 0 कोई भी नंबर में 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 और 8 + 5 तो 5 तो गिना हुआ है 5 के बाद 8 गिनो 5 × 6 = 7 8 9 10 11 12 13 13 × 3 = 1 अब 6 + 1 7 8 9 दिस इज 9. सो डियर स्टूडेंट्स दिस वे ये ऑल बाजू में जितने भी मैंने ये 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए हैं वो भी इसके जैसे ही यहाँ पे फॉरो आए कैरी आए बट यू हैव टू काउंट ऐसे नहीं होना. नाउ नेक्स्ट अब 8 + 2 8 + 2 10 आपको मालूम है
10 का 0 10 1 राइट। अब 7 प्लस 3 इट्स आल्सो 10, 7 का 0 8 9 10 और ये कैरी भी की है, डोंट फॉरगेट टू काउंट दिस कैरी 10 एंड 1 11 11 का 1 कैरी 1 8 6 1 7 और 1 8 दो बार कैरी है, आ सकती है इसकी दो बार कैरी। कैरी मतलब मैंगो नहीं, इसमें कैरी आता है बड़ी कैरी मतलब हम इसमें से 10 इसमें ले जाते हैं, वी आर कैरी 10 एट दिस प्लेस राइट। नाउ 6 प्लस 5 11 कैरी 1 वंस अगेन 6 प्लस 5 11 और 11 की बार 1 12 1 5 6 की तो गिनना है, फिर 1 गिना फिर 5 गिना फिर 6 गिना, तो 5 प्लस 1 6 और 6 6 12 12 का 2 कैरी 1 फिर से 1 2 3 तो 2 प्लस 1 3 और 3 और 3 क्या होगा 4 5 6। देखो फर्स्ट वीडियो में मैंने कैसे काउंट करना है वो आपको समझाया था, इसमें भी ऐसे ही काउंट करते हैं, नो चेंज। नाउ 8 प्लस 6 फिर से बताता हूँ, 8 तो हमारे पास है उसमें 6 काउंट करते हैं तो 6 ये रहा, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 तो 14 विल कम, 14 का 4 कैरी 1। अब 1 7 5 7 और 1 क्या होता है 8, अब 8 में 5 प्लस करो 9 10 11 12 13 सो 13 का 3 कैरी 1। अब ये 1 4 और 2 4 1 5 6 7 ओके दिस वे यू हैव टू ऐड दिस नंबर। नाउ दिस 6 5 6 और 5 11 होते हैं, हम ये यहां भी गिने दें 11 का 1 कैरी 1 3 6 9 एंड 1 10 कैरी 1 1 2 3 4 401 राइट। अब जैसे 8 प्लस 2 8 तो गिना हुआ है 2 गिनो 9 10 10 का 0 कैरी 1 अबे 1 5 5 और 5 5 क्या होता है 5 2 10 10 1 11 11 11 का 1 कैरी 1 और 7 और 1 8 और 9 सो दिस इज 910 राइट। नाउ दिस इज 7 प्लस 3 10 कैरी 1 वंस अगेन 7 एंड 3 10 एंड 1 11 अब देखो ये 11 आया है कैरी 1 आएगा। अब हमने पहले किया ऐसे यूनिट प्लेस का यहाँ पे आता है टेंथ प्लेस का आगे जाता है 6 प्लस 1 7 और 1 8 सो डियर स्टूडेंट्स दिस वे वी हैव टू काउंट द एडिशन हैविंग कैरी कैरी वाला एडिशन ऐसे कीजिए। अब मैं आपको ये वीडियो नजदीक से बता रहा हूँ, यू हैव टू राइट दिस आंसर बट अपने आप काउंट करके लिखो, कॉपी मत करो और यह आपको होमवर्क करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ओके। बट होमवर्क करने के बाद यूट्यूब में लिंक में आपको नीचे कमेंट में लाइक करना भूलना नहीं है और कमेंट में लिखना है सर अपना नाम लिखो एंड लिखो सर आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क ओके। सो नेक्स्ट टाइम वी हैव टू कम हियर विथ अनदर सब्जेक्ट अनदर टॉपिक ऑफ द सेम सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट के दूसरे टॉपिक लेके आएंगे ओके। आई विल शो यू नाउ नाउ राइट डाउन दिस इज क्लास वर्क इन योर नोटबुक। वीडियो पॉज करके जाओ और क्लास वर्क लिखते जाओ। Okay, now this is homework for you. यह homework है आपके लिए, you write it down in your notebook, video pause करके यह homework आप notebook में लिख दो।